अस्सलाम वालेकुम गाइस, एनईडी एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। कैलकुलेटर की जो भी ट्रिक्स हैं वो मैंने सब डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने ट्रिक डिस्कस किए हैं वो मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में जितने चैप्टर हैं, जिन जिन चैप्टर की जो ट्रिक्स हैं जो आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो वो मैंने डिस्कस किए। इसी तरह मैंने सेकेंड ईयर की डिस्कस किए। मिला के 80 मिनट की वीडियो बनी है पूरी, ठीक है। तो मैंने उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इंशाल्लाह 5 के 5 पार्ट आज ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर करवाए हैं, ठीक है। तो सब देखना आप लोग लाजमी, मेरे लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे आप लोग उसमें, ठीक है। बाकी वीडियो को एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर के ट्रिक्स। और ये काफ़ी रिक्वेस्ट किया मुझे स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, वीडियो बनाने का स्पेसिफ़िकली मेरा मकसद उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो इंशाल्लाह अभी एनईडी का टेस्ट होने वाला है। और आप लोगों को पता है एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसलिए कैलकुलेटर के ट्रिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा टारगेट तो वो स्टूडेंट है जिनका अभी एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने वाला है। लेकिन ये जो वीडियो है ये जनरल वीडियो है, चाहे आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हो या आप मुल्क दुनिया में किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हो या कहीं से भी, आपका कोई भी बोर्ड है, आप कैम्ब्रिज की हो, आप ओ लेवल जो भी हो आप, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक्स जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं रैंडम कोई टॉपिक्स नहीं लूँगा, मैं चैप्टर वाइज जाऊँगा। ऑलमोस्ट दुनिया में हर जगह 11 और 12 मतलब इंटरमीडिएट लेवल जो है उसमें 90% सेम ही चैप्टर्स हैं आपके, 95% सब चैप्टर सेम है। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या ट्रिक्स हैं, इस चैप्टर में आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मैं जाऊँगा। ट्रिक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कैलकुलेटर जो है इस बेचारे की भी लिमिटेशन है। सबसे पहले जो मेरे पास कैलकुलेटर है वो ये मॉडल लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, आपके जो कैलकुलेटर हैं वो चेंज हो सकते हैं, उसमें ऑप्शन के डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन इंशाल्लाह होगा, ठीक है। सब कैलकुलेटर में ऑप्शन नहीं होते, कुछ में होते हैं, कुछ बहुत ही सस्ते कैलकुलेटर में उसमें नहीं होते। जिस हिसाब से आप मतलब महंगा कैलकुलेटर लोगे, महंगा मतलब उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास। बहरहाल, तो जो भी कैलकुलेटर है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अगर ये सिंपल ये जो कैलकुलेटर है, बाय द वे एनईडी में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, स्टूडेंट को ये बड़ा मसला है, ये वाला कैलकुलेटर अलाउ है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलग होता है, ठीक है, वो आपने कभी यूज़ भी नहीं किया ज़िंदगी में, तो ये अलाउ है। तो जैसे इसमें है ना, अगर आप सिंपल सॉल्व करो, लेट से 2 की पावर आप कर दो, क्या करो, 2 की पावर 3 3 3 का, तो आपके पास मैथ एरर आ जाता है। 3 2 पे होगा मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 99। लेकिन जैसे ही आप 2 की पावर 3 3 3 करोगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट करेगा। इसी तरह कुछ लिमिटेशन है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कैलकुलेटर की अपनी लिमिटेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। सेट जो है, सेट की कोई खास ट्रिक नहीं है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, जो चैप्टर नंबर 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक्स तो ये है कि अगर आप किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाह रहे हो, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हो या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हो, ये चारों ऑपरेशन आप आसानी से कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले ट्रिक ये है। और अगर आप, मैं कोई एग्जांपल दूं, लेट से बहुत सिंपल सा मैं एक, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने से पहले आपको कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रांसफ़र करना होगा। तो यह मॉड का बटन दबाओ, इसमें 2 पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप 2 दबा दो। अब देखो ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ रहा है। किस तरह स्टार्ट करोगे आप, लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 प्लस आयोटा, आयोटा के लिए ये बटन लिखा हुआ है, अगर आप देखो गौर से ऊपर आयोटा है, ठीक है, तो आप ये बटन दबाओ। कुछ शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वाला बटन दबाओ, आयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आप प्लस करना चाह रहे हो, लेट से 9 माइनस आयोटा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन 2 कॉम्प्लेक्स को ऐड करना चाह रहे हो, आप आसानी से ऐड कर लोगे, आंसर 18 आ जाएगा। लेट से अगर आप इनको सबट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आप माइनस करो, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो आप मल्टीप्लाई का साइन डालो और ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो, ठीक। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर आपको बिल्कुल हलवा देगा, मतलब रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, ठीक है। तो पहली ट्रिक तो ये कि आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये आसानी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरा जो आपके पास है वो आपके पास है मॉडुलस निकालना। कि दूसरी ट्रिक ये है कि आप मॉडुलस किस तरह फाइंड करोगे। लेट से आपको इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ये शिफ्ट है, शिफ्ट दबा के देखो ये ए बी एस का बटन नज़र आ रहा होगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेटर में जो ब्राउन से लिखा होता है ना, अब मेरे ख्याल में कलर से ही नज़र आ रहा होगा आपको, जो चीज़ें ब्राउन से लिखी हुई हैं वो शिफ्ट दबा के आती हैं, और जो रेड से लिखी हुई हैं, लेट से ये ई जो है
ये अगर आपको नज़र आए तो ये रेड से है, ठीक है, तो ये अल्फा दबा के आएगा, और पाए जो है वो ब्राउन से, ये शिफ्ट दबा के आएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह ये एक्स जो है ये रेड से लिखा हुआ है, तो अल्फा दबा के एक्स आएगा, तो इस चीज़ का तो बेसिक ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो टॉपिक पे आ जाओ, मॉडुलस किस तरह निकालोगे, ये ए बी एस का बटन है, तो आप क्या करो, शिफ्ट दबाओ, एब्सोल्यूट आ गया, ठीक है। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर डालो 9 प्लस आयोटा, और ये आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। लेट से कुछ और डालना चाह रहे हो, आप कहोगे एक ही डाल लो, माइनस 8 आयोटा, ये कर दे 9 माइनस 8 आयोटा, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, सॉरी मॉडुलस आ जाएगा। तो दूसरी ट्रिक ये कि आप कैलकुलेटर से आसानी से मॉडुलस निकाल सकते हो। तीसरी ट्रिक ये, अच्छा कॉन्जुगेट निकालना तो मुश्किल नहीं है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट आप किस तरह निकालोगे, दरमियान वाले साइन को चेंज कर दो, तो वो तो मसला नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, नॉर्मल अगर आपके पास ऑर्डर, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जो मल्टीप्लिकेशन मैंने डिस्कस की है, अगर आपके पास इस तरह मतलब लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, लेट से 1, -1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2, 1, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो और इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, तो आप कैसे निकालोगे भाई, इनको आप नॉर्मल फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर लो, ये क्या होगा 1 - iota, और ये क्या हो जाएगा 2 + iota। उसके बाद अभी कैलकुलेटर में डालो, बल्कि डाल ले लेते हैं हम, क्या है 1 - iota मल्टीप्लाई 2 + iota, सॉल्व करो, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 3 - iota। अब इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर लो, 3, -1, तो अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी आपको ऑर्डर पेयर में चेंज करना आना चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। बहरहाल तीसरी ट्रिक पे आ जाते हैं, तीसरी ट्रिक आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेट्स से अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2, 1, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह कर लो 2 + iota, ठीक है। और अगर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि अगर इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 + iota, ठीक है। लेकिन याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिंपली बिल्कुल सिंप्लीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड मतलब रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने में आपको काफ़ी मसला होगा, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये आसानी आपकी कैलकुलेटर कर देगा। तो अगर आपने 2 + iota का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप कैलकुलेटर में लिखो 1/2 + iota, तो कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करके आपको रियल नंबर अलग कर देगा, इमेजिनरी नंबर अलग कर देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप आसानी से निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। अच्छा जी, उसके बाद चौथी ट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन है। आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। जैसे अगर आपके पास सिंपल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, जैसे √3 + iota डिवाइडेड बाय √3 - iota। अब रियल, ये जी मैंने बुक का सवाल उठाया है, अब रियल में अगर आपने सॉल्व करना है इसको, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, एंड पे रियल नंबर अलग होगा, इमेजिनरी नंबर अलग होगा। लेकिन कैलकुलेटर में काफ़ी आसानी होगी, ये आप लिखो, जस्ट इक्वल बटन दबाओ, और आपके पास कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा ये, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आसानी से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अच्छा लेट्स से एक और मैं ले लेता हूँ, एक है पावर ले लेते हैं 1 + iota, और इसकी होल पावर क्यूब है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आप इक्वल का बटन दबाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा। लंबा वाला तरीका क्या है कि आप इस पर a + b² का फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन कैलकुलेटर आपको शॉर्ट दे देगा। लेकिन एक लिमिटेशन है, मैंने स्टार्ट में बता दी थी, कैलकुलेटर की लिमिटेशन आपको नज़र आएंगी। अगर आप पावर 4 डालोगे तो आपको मैथ एरर मिल जाएगा, और पावर 4 से ज़्यादा जितनी भी आप डालोगे आपको मैथ एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर तो पावर 4 से कम कम है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, वरना कैलकुलेटर की लिमिटेशन आ जाएगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, ये मैंने आपको छोड़ दिया, मतलब आप कुछ भी पुट करके देख लो। अब सब एग्जांपल तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये चार ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब चार ट्रिक जो मैंने बताई हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। पाँचवीं हो सकती है, लेकिन वो मैं बता इसलिए नहीं रहा, क्योंकि रीज़न ये है कि वो ट्रिक है कि अगर आपने आयोटा की पावर फाइंड करनी हो, अगर सवाल में आपके पास लिखा हुआ आयोटा की पावर 400, तो अभी आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। अगेन कैलकुलेटर की लिमिटेशन ये है कि आप कैलकुलेटर में आयोटा क्यूब निकाल सकते हो, लेकिन क्यूब से जैसे ही ऊपर जाओगे आप, तो कैलकुलेटर आपको दे देगा एरर, ठीक है। तो अगर आयोटा 4 निकालना है आपने, तो ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैनुअली मैंने बताया था, जब आयोटा की पावर गिवन हो तो आप इसको आयोटा 4 में ब्रेक करते हो, और अगर ओमेगा गिवन हो, लेट्स से ओमेगा की पावर 400, तो ओमेगा को आप ओमेगा क्यूब में
ब्रेक करते हो। अब ये कैसे ब्रेक करते हो ये मैंने डिटेल में आपको एनडी के पास पेपर में चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज थे उसमें मैंने सिखाया था। अभी मेरा टॉपिक नहीं, अभी तो मैं कैलकुलेटर सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 से डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस तरीके से आप क्या काम कर सकते हो चैप्टर 2 के अंदर कैलकुलेटर की मदद से। चैप्टर 3 पे आ जाएं। चैप्टर 3 पे हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो इक्वेशंस है, ठीक है। अब इक्वेशंस में सबसे पहली ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट्स से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। सॉल्व करने का मतलब ये होता है रूट्स निकालना, मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकालना। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मॉड पे जाओगे, पाँचवें पे आपके पास इक्वेशन आ रहा है तो आप फाइव दबा दो। अब ये चार टाइप की इक्वेशन है जो हम कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीसरे पे है, अगर आप गौर से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप थ्री दबाओ, ठीक है। अब आपने करना है कि आपने इन तीनों ये शुरू के दो टर्म जो इनके कोफिशेंट उतारने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, वन, वन लिखो और इक्वल का बटन दबा दो। फिर एक्स का कोफिशेंट माइनस फाइव है, माइनस फाइव लिखो, इक्वल का बटन दबा दो। फिर कॉन्स्टेंट टर्म सिक्स है, सिक्स लिखो, इक्वल का बटन दबा दो। उसके बाद दोबारा आप इक्वल दबाओ, सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, थ्री, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, टू। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जल्दी से सॉल्व कर लिया और एंड पे आपके पास दो रूट्स आ गए। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, वो मैंने बता दिया। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने लगे हो। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप की हैं, एक तो दो लीनियर इक्वेशन है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल के अंदर, और एक सिस्टम है जिसके अंदर तीन लीनियर इक्वेशन हो तीन वेरिएबल के अंदर। दोनों आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। जैसे अगर आप दो इक्वेशन कंसीडर करो, क्या कहते हैं, दो वेरिएबल में, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे। मैनुअली निकालने का तरीका क्या होगा, आप ऐड सबट्रैक्ट करवा के वाई को कैंसिल करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर जो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करके वाई की वैल्यू निकालोगे। लेकिन कैलकुलेटर से आसानी है, अगेन फाइव पे जाओ, इक्वेशन है। अब आप गौर से देखो तो वन ऑप्शन है जिसमें, अच्छा ए एन बी एन सी एन को छोड़ दो, ये कोफिशेंट लिखे हैं इन्होंने, असल देखो दो अननोन है x और y। अब आपका x हो कुछ भी नाम हो, लेट्स इस इक्वेशन को मैं डिफरेंट नाम है p में चेंज कर लेता हूँ, 2p प्लस क्यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसी तरह p माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो, सेम है, वह नाम का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसको राइट हैंड साइड पर लेके गए हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंट जो है ये आपका होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो प्लस टू को उधर लेके जाओ माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन को उधर लेके जाओ तो माइनस वन हो जाएगा। अब ये बिल्कुल कैलकुलेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अब आप इसको सॉल्व करो। पहले अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं आंसर आपका गलत आ जाता, तो आप वन दबाओ, ठीक है। वन में आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। ए क्या होगा, जो पहला अननोन है पी उसका कोफिशेंट टू, क्यू का कोफिशेंट क्या है वन, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस टू। अगर आप उधर ना लेके जाते तो कांस्टेंट आप क्या लिखते, टू, और आपका आंसर गलत हो जाता। पहली इक्वेशन आपने पुट कर दी, दूसरी इक्वेशन में देखो पी का कोफिशेंट क्या है वन, क्यू का कोफिशेंट क्या है माइनस वन, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस वन, ठीक है। आप सॉल्व करो, अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आपका अननोन क्या है पी, पी की वैल्यू आ गई माइनस वन, दोबारा इक्वल दबाओ, क्यू की वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके अंदर दो वेरिएबल थे और वो आपको फाइंड करने थे। अब तीसरी ट्रिक ये है कि अगर आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन आ जाए, और ये इक्वेशन मैंने सेकेंड से उठाई हैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि वेरिएबल ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई जेड हो या एक्स वाई हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो लेट, अच्छा एक चीज़ कि इन दोनों इक्वेशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर पहले पी आ रहा है तो इसमें भी पहले पी आना चाहिए, ठीक है, वरना वैल्यूज़ गलत आ जाएंगी। इसी तरह इन इक्वेशन में पहले एफ आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो तीनों इक्वेशन में ये होना चाहिए, एट एफ माइनस टू जी अभी आपके पास तीन इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और इसमें से जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। अगेन ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले एफ फिर जी और फिर सी। अगेन वो मॉड में जाओगे आप, फाइव पे इक्वेशन आ रही है। अब देखो आप गौर से, टू ऑप्शन देखो, इसमें तीन अननोन है एक्स वाई जेड, आपके पास तीन अननोन कौन से हैं, एफ जी सी, ठीक है। इसमें भी देखो कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट है, तो आप शिफ्ट कर दो, एट उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एट, माइनस वन उधर जाके हो जाएगा वन, प्लस वन उधर जाके हो जाएगा माइनस वन,
ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद आप टू ऑप्शन पे जाओ, टू पे चला गया। अब आप वैल्यूज पुट करो, एफ की वैल्यू, एफ का कोएफिशिएंट टू है, जी का कोएफिशिएंट वन है, सी का कोएफिशिएंट भी वन है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस एट। इसी तरह बाकी दो भी फिल करोगे, ठीक है। जब आप सब पुट कर दो, उसके बाद आप इक्वल का बटन दबाओ, तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू आई है 8/9, तो जो पहले वेरिएबल आपने लिखा होगा ना उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, तरतीब में लिख देते हैं इसको, पहले एफ था उसकी वैल्यू क्या आई है 8/9, फिर दोबारा आप इक्वल दबाओ, जी की वैल्यू आ जाएगी -11/9, ठीक है, फिर आप इक्वल दबाओ, तीसरा क्या था सी, उसकी वैल्यू आ रही है -77/9। तो बस आपने ध्यान ही रखना है कि सब में ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो उसी तरह आएंगी जो पहले लिखा हुआ है आपने, जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसकी और फिर इसकी, ठीक है। तो ये तीसरी ट्रिक थी कि तीन इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब चौथी ट्रिक ये है कि अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, लेट से आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है 4x³ + 2x - 1, इसको आपने सॉल्व करना है। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब है एक्स की तीन वैल्यूज़ आएंगी, इसको किस तरह सॉल्व करोगे, अगेन आप मॉड पे जाओ, 5 इक्वेशन है, अगर आप 4 देखो तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ax³ + bx² + cx + d। अब इसमें जनरल फॉर्म में देखो, हर चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट भी लेफ्ट हैंड साइड पे और हमारी भी हर चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे। सॉल्व करो सबसे पहले, अच्छा 4 पे जाओ आप, सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। अब देखो तरतीब में अगर आप देखो तो x² वाली टर्म आनी चाहिए थी, और x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसका मतलब है उसका कोएफिशिएंट आप क्या लोगे, 0 लोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर कोई मिसिंग टर्म है उसकी जगह आप 0 लोगे, मतलब उसका कोएफिशिएंट। फिर आप एक्स टर्म का कोएफिशिएंट लिखो 2 है, और फिर आप कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है, इक्वल का बटन दबाओ। अच्छा, एक एक्स की वैल्यू आ रही है 0.38, एक एक्स की वैल्यू है -0.19, और ये आयोटा में आएगी 0.7 जो भी है आयोटा एंड पे आ रहा है, और फिर तीसरी वैल्यू में दरमियान में नेगेटिव आ गया, ठीक है। बहरहाल मैंने रैंडम इक्वेशन ली थी, तभी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं उसके। तो इस तरह आप सॉल्व करोगे किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को, ज़रूरी नहीं क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म की भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हमेशा क्यूबिक इक्वेशन जो है वो सब टर्म के साथ लिखी हुई है, मतलब ज़रूरी नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन में चारों टर्म हो, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है। और बाय द वे ये आपके पास वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर आपको याद हो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने इस तरीके से निकाला था, -1 को इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो। वो देखो, अगर आपने इस इक्वेशन को x³ - 1 को सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। अब x² वाली टर्म नहीं है तो आप 0 डाल दो, x वाली टर्म भी नहीं है आप 0 डाल दो, कांस्टेंट क्या है, -1, इक्वल का बटन दबाओ, सबसे पहले 1 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप गौर से देखो तो ये ओमेगा था, हमने ओमेगा लेट किया हुआ था इसको, ठीक है, और फिर अगर आपको याद हो तो इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लेट किया था, तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, इसको भी आप कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार ट्रिक होगी, उसके बाद पांचवी ट्रिक आपके पास ये है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। और वो ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर आपने नेचर ऑफ रूट निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल, और ये ट्रिक आप कैलकुलेटर के बगैर भी निकालोगे तो इतना मसला नहीं होगा आपको। लेट कर लो सवाल में आपसे पूछा जाए कि इसके नेचर ऑफ रूट बताओ, तो एक तरीका तो ये कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, मतलब b² - 4ac सॉल्व करोगे, एंड पे आप देखोगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है या जो भी है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले ट्रिक में आपको याद नहीं करना, आपने बस क्या करना है कि आपने रूट्स निकालने हैं, रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अच्छा, जब हमने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लेट किया था तो हमने सॉल्व किया था, हमारे पास एक वैल्यू 3 आई थी, एक वैल्यू 2 आई थी, तो अब 3 और 2 को आप देखने में बता सकते हो। अगर आपके पास, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक MCQ था जो मैंने आप लोगों को करवाया था चैप्टर 3 में, आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे रूट्स निकालने वाले, ठीक है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास रूट्स क्या आए, 3 और 2। अब ऑब्वियसली रियल और इरेशनल नहीं हो सकते, क्यों, 3 और 2 रेशनल नंबर हैं, इरेशनल कैसे होंगे। इसी तरह रियल एंड इक्वल नहीं है, दिखने में लग रहा है 3 और 2 अनइक्वल हैं, इसी तरह इमेजिनरी भी नहीं हो सकते,
तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन है रियल और रैशनल, के दोनों रियल भी हैं और रैशनल भी हैं। तो आप अगर आपको याद ना हो पेपर में कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या रूट्स होते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो क्या रूट्स होते हैं, तो आप क्या करो, कैलकुलेटर से रूट्स निकालो, उसके बाद ऑप्शन जो है उनसे वेरीफाई कर लो, जो ऑप्शन इनको मतलब सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं।